एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम प्रेजेंट्स बोर्ड रिजल्ट्स इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर धातु या महाधातु के क्वेश्चन, कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं के संघटक बताओ कि वो मिश्र धातु किस किस धातु से मिलकर बनी। अब इसके बाद में हमारे पास कुछ मिश्र धातुओं के हम नाम लिखेंगे और उन मिश्र धातुओं के संघटक क्या हैं, किस किस मिश्र धातु से, किस किस धातु से मिल करके वो मिश्र धातु बनी है वो हम करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें हमारा पीतल। तो पीतल किस किस धातु से मिलकर के बनी है हम वो याद करेंगे। तो ये बनी है, अब आप कहेंगे कि मैंने का और जी क्यों लिख दिया। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो पीतल का बर्तन होता है उसमें कांजी लग जाती है, थोड़े टाइम के बाद वो खराब हो जाता है, उसे अपनी भाषा में कहते हैं कि कांजी लग गई, मतलब वो सड़ जाता है, एक तरह से खराब हो जाता है। तो पीतल के बर्तन में कांजी लग गई, तो कांजी ये आपको लाइन लगती है कि पीतल के बर्तन में कांजी लगती है, कांजी ये इसकी ट्रिक है। का मीन्स कॉपर और जिंक, तो कॉपर और जिंक से मिलकर के पीतल बनती है। नेक्स्ट है हमारा जर्मन सिल्वर। ये हम दो दो के पेयर में करेंगे, फर्स्ट ये टू पेयर्स लेंगे, क्योंकि पीतल के बर्तन में कांजी लग जाती है इसलिए हमने ले लिया जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कांजी नहीं लगती, तो यानी कि जर्मन सिल्वर में कांजी नहीं लगती। का से कॉपर, जिंक, ठीक है, कांजी नहीं लगती, तो ये हम यहां ट्रिक लिखेंगे, नहीं लगती। तो दो याद हो गए हमारे, एक ही ट्रिक सेम ट्रिक दोनों में काम आएगी, तो इसलिए हमने पेयर बनाया था इसका, इसका पेयर बना के चलेंगे हम। पीतल में कांजी लग जाती है, तो कांजी कॉपर जिंक, पीतल कांजी ये हमें याद रखना है, पीतल कांजी, पीतल में कांजी लगती है, तो पीतल में कॉपर और जिंक होते हैं। जर्मन सिल्वर में कांजी नहीं लगती, तो कॉपर जिंक एंड निकेल। थर्ड है हमारा कांसा और फिर गनमेटल, इन दो का भी हम पेयर बनाएंगे कि कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो धातु काटता है, तो लोग उससे पूछते हैं धातु कासे काटी, धातु कासे काटी, कासे मतलब कासा, कासा काटी का और टी, यानी कि कॉपर टिन, धातु कासे काटे, का कॉपर टिन, कासा काटी, कासे काटी, तो ये हो गया। अब वो जो व्यक्ति है वो आंसर करता है बड़े ही प्यार से, बड़े पोलाइट वे में आंसर करता है, गन से काटे जी, तो वो जी लगाता है साथ में, गन से काटी जी, तो वही कॉपर टिन जिंक। एक चीज और एक्स्ट्रा हो गई, कॉपर टिन एंड जिंक, गन से काटी जी, तो यानी कि गन मेटल में कॉपर टिन और जिंक होते हैं, तो ये ट्रिक होगी हमारी। नेक्स्ट है टाका। एक मैडम होती हैं, तो एक बच्चा उनके पास जाता है इसकी ट्रिक करने में हम, कि मैम मुझे जीके सीखनी है। तो मैम कहती है कि जीके तो मैं आपको सिखा दूंगी, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो बच्चा कहता है क्या चाहिए, कि जी मुझे आपकी टांग चाहिए। तो टांग मतलब टाका, तो वो बच्चा बच्चे ने क्या किया, काटी और कहा ले, तो काटी ले। तो हम क्या करेंगे इसमें से, ये टा का, इसका जो टा का, ये तो टाका हो गया, कि टाका की जो मिश्र धातु है वो टी और ले। अब टी और ले क्या है, टी और ले, टी से टिन, ले से लेड, लेड यानी कि सीसा, तो हम सीसा भी बोल सकते हैं, लेड भी बोल सकते हैं और टिन भी, तो इसकी है टा काटी और ले, तो ले और टी, इन दो धातुओं से मिलकर के हमारी टाका मिश्र धातु बनी है। स्टील, स्टील वैसे तो जनरली स्टील जो है वो बड़ा इजी है कि लोहे और कार्बन से मिला है, तो इसके लिए आप एक वर्ड काला याद कर सकते हैं, का कार्बन लो लोहा काला, या इसके लिए ट्रिक है काला भी कर सकते हैं हम, और टीले पर कबीला,
मतलब स्टील, कबीला क ब गब कार्बन, और ला या अगर हम दास्तानी भाषा में लिखें कबीलों करें तो लो से लोहा, कार्बन प्लस लोहा स्टील। उसके बाद स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनते हैं, सबको पता है स्टेनलेस स्टील के बर्तन बने। और एक नेताजी ने बहुत सारे बर्तन ले रखे थे, एक व्यक्ति पूछता है आप इन बर्तन का क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये मैं कलोनी में बांटूंगा। तो कलोनी हमारे ट्रिक है। जो नेताजी हैं वो कलोनी में स्टेनलेस स्टील के बर्तन बांटेंगे, बांटना है उनको। तो क लो नी, क से क्रोमियम, लो से लोहा, नी से निकेल। तो बड़ी ही आसानी से ट्रिक के साथ अपने सारी की सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है वो सारी की सारी हमने ट्रिक की सहायता से कर ली। तो आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और आप दोबारा से जब बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो 2 दिन बाद के बाद आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और ये बोर्ड में 2011, 12 और 17 में आया। थैंक यू।